नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। साथियों, आज हम आपको मिलवाएंगे शिक्षा जगत की सबसे बड़ी हस्ती, जिन्होंने आपके बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां तक पहुंचना क्या सोचना भी बहुत मुश्किल था। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आरपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव जी से। आइए सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार प्रदीप कौशिक जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। जिस प्रकार से बहुत बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस, देश खुश हुआ था आजाद होकर, किस प्रकार से देशवासी मनाए, क्या शुभ आशीर्वाद है, क्या संदेश है लोगों के लिए? प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की अपने सभी भारतीय बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस पवित्र दिन के अवसर पर मैं सभी अपने शहीदों को नमन भी करती हूँ और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज एक एक भारतीय खुली हवा में सांस ले रहा है। इस बार का 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए वैसे भी बहुत अलग है, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में हमारे हरियाणा प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें नीरज चोपड़ा, जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और अपने देश को पूरे संसार में आज वो उन्होंने देश का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ मैं उनके परिवार को भी बहुत बधाई देती हूँ कि आज नीरज चोपड़ा ने एक एक भारतीय का सिर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं अपनी उन बेटियों के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगी, हॉकी टीम की उन बेटियों को, जिन्होंने बहुत मेहनत की टोक्यो ओलंपिक तक पहुँचने में। बेशक आज वो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ना ले पाई हो, लेकिन उन बेटियों ने इतनी मेहनत की कि आज एक एक भारतीयों का दिल जीत लिया। मैं एक बेटी होने के नाते उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसी तरह भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत सारे मेडल्स लेकर के आएंगी। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक प्रखर उदाहरण पेश किया है। इसके साथ साथ देखिए, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कोरोना का इतना मुश्किल समय रहा, लेकिन भारत ने जिस तरह से पूरे विश्व को दिखा दिया कि हमारे देश का एक एक व्यक्ति जब भी कोई मुश्किल की घड़ी होती है तो उस मुश्किल की घड़ी में वो उन्होंने अपना एकता का प्रदर्शन किया है। और आज कोरोना को हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं लगभग, और इसमें जिस लोगों का योगदान रहा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, एक एक लोगों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनकी वजह से आज हमारा देश लगभग कोरोना से मुक्त हुआ है। इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि हमारा भारत देश जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में हमेशा से बहुत अच्छा कर रहा है, आज भी बहुत अच्छा कर रहा है, और कि बच्चे बहुत पढ़ लिख करके खूब मेहनत करें और अपने देश का नाम आगे रोशन करें, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही है जो क्षेत्र को और समाज को और देश को जो बहुत आगे लेके जा सकती है। तो इस मौके पर मेरी बच्चों से एक अपील है कि बच्चों, आप बहुत मेहनत करें, बहुत पढ़ें, और एक भारतीय होने के नाते अपने क्षेत्र के लिए और अपने देश के लिए साइंस में, टेक्नोलॉजी में और जिस क्षेत्र में भी आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छे काम करें। धन्यवाद।